हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूस किचन। माय नेम इज़ अनु और आज मैं आपके साथ वेज नूडल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए सबसे पहले सब्जियों को कुछ इस तरह स्लाइस कर लें। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ सब्जियाँ कट करके रखी हैं। इसमें मैंने लिया है 1/2 कप कैबेज, 1/2 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप प्याज और 1 1/4 कप गाजर। अब नूडल्स बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पैन में तेज़ आंच पर पानी डालेंगे बॉईल करने के लिए और उसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। साथ में 1 1/2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और उसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसमें हम अपना नूडल्स डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि नूडल्स में बॉईल आ गया है। तो जब 5 मिनट हो जाए तो उसमें से एक टुकड़ा उठा के देखें और तोड़ कर देखें। अगर वो 80% तक कुक हो गया है तो गैस बंद कर दें और ध्यान रखें कि नूडल्स को ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो नूडल्स स्टिकी हो जाएंगे बाद में। और उबले हुए नूडल्स को एक छन्नी से छान लें और फिर उसे ठंडे पानी से धो लें। ऐसा करने से नूडल्स स्टिकी नहीं होते हैं। अब एक पैन गरम करें और उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। साथ में ही 3 गार्लिक की कलियों को छोटा छोटा कट करके डाल दें और उसे शैलो फ्राई करें। याद रहे कि उसे ओवर फ्राई नहीं करना है और आँच हमेशा ही तेज रखना है। अब उसमें कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और गाजर डाल दें और उसे हल्का हल्का स्टर फ्राई करते रहें। में कटा हुआ कैबेज ऐड करें और उसे 2 मिनट तक फ्राई करें। नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून नमक यूज़ किया है और थोड़ी देर तक उसे स्टर फ्राई करते रहें। अब उसमें 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालें। साथ में ही 1 1/2 टेबलस्पून चिली सॉस अब इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल दें। फिर उसे अच्छी तरह तेज आंच पर ही पकाएं। अब उसमें नूडल्स ऐड कर दें।
अब नूडल्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब नूडल्स जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो उसमें 1/2 टेबल स्पून विनेगर डाल देंगे और उसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।